ओके यहाँ तक बात समझ में आए बोलो। माइटोसिस में हमने कैरियोकाइनेसिस से पढ़ा, साइटोकाइनेसिस से पढ़ा, क्लियर? ओके। ओके, अब क्या बता रहा हूं समझो। मैंने कहा सबसे पहले पता होना चाहिए मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस तीन मॉडिफिकेशन है, क्रिप्टोमाइटोसिस, डायनोमाइटोसिस और एंडोमाइटोसिस। ये मेरा बताने का पर्पज ये है, पूरी बायोलॉजी में कहीं भी ये वर्ड आते हैं तो आपको यहीं से फंडा क्लियर होना चाहिए। बाकी ऑफिशियली माइटोसिस हमने पढ़ा, क्रिप्टोमाइटोसिस डिफरेंस नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही तीनों के बारे में बता रहा हूं। क्रिप्टोमाइटोसिस की बोलो आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। नंबर वन, इधर ध्यान दो, ये मोस्ट प्रिमिटिव माइटोसिस है। मतलब मोस्ट प्रिमिटिव डिवीजन पूछे तो एमाइटोसिस है, बट मोस्ट प्रिमिटिव माइटोसिस पूछे तो क्रिप्टोमाइटोसिस है। बोलो मोस्ट प्रिमिटिव माइटोसिस, क्लियर? इसलिए सो इसे प्रोमाइटोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोमाइटोसिस, ठीक है, भी कहते हैं। अच्छा, नंबर टू, दूसरी बात क्या बता रहा हूं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयरी नहीं होती, तो इसका मतलब स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, जिन्हें इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर कहते हैं। मैंने कहा इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, ठीक है, नहीं होती है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर बनते हैं, अर्थात इट मींस अर्थात इसमें इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर, क्लियर, बनते हैं। ऐसा यूनिक एग्जांपल क्या है बायोलॉजी में, जूलॉजी में, जिसमें क्रिप्टोमाइटोसिस होता है? तो बाइनरी फिशन इन अमीबा। आज अगर आपसे पूछा जाए अमीबा का बाइनरी फिशन द्विविखंडन किस मेथड से होता है, तो क्रिप्टोमाइटोसिस। मैंने कहा बोलो बाइनरी, बोलो फिशन, ठीक है, इन अमीबा, क्लियर। क्या लिखा? अमीबा का द्विविखंडन, इसका ये एग्जांपल।
डायनोमाइटोसिस नाम से पता चल रहा है यह डायनो फ्लेजिलेट्स में होता है। डायनो फ्लेजिलेट का नाम सुना होगा, ये ना प्रोकैरियोट होता है ना यूकैरियोट होता है, मेसोकैरियोट होता है, ऐसा यूकैरियोट जिसके अंदर स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है उसको डायनो फ्लेजिलेट होता है। तो ये डायनो फ्लेजिलेट, इसलिए नाम क्या है, डायनोमाइटोसिस। अब इसमें मैंने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो डिसअपीयर नहीं होती है, वो तो इसमें भी नहीं हो रही थी, बट इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं, उसका स्थान बोलो उसका स्थान साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें स्पिंडल फाइबर क्लियर बोलो नहीं बनते हैं, वह साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूबल्स से रिप्लेस हो जाते हैं। ओके, आपके काम की चीज है डायनोमाइटोसिस किस में होता है, डायनोफ्लेजिलेट। डायनोफ्लेजिलेट में कौन सा माइटोसिस का मॉडिफिकेशन मिलता है, डायनोमाइटोसिस। अब है एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस एंजियोस्पर्म की टेपेटम में मिलता है। इसकी यूनिक बात क्या है कि इसमें बार बार कैरियोकाइनेसिस हुए बिना ही बार बार साइटोकाइनेसिस होता है, क्लियर बात समझ में आया। बोलो, मैंने कहा इसमें बिना साइटोकाइनेसिस के बार बार कैरियोकाइनेसिस होता है, तो इसमें पॉलीप्लेटी उत्पन्न होगी, क्या उत्पन्न होगी बोलो, पॉलीप्लोइड। एंजियोस्पर्म का टेपेटम सुना बोलो, पॉलीप्लोइडी के लिए जाना जाता है। एंजियोस्पर्म टेपेटम नाम सुना नहीं सुना बोलो, किसके लिए जाना जाता है, पॉलीप्लोइडी के लिए, ठीक है। तो इसमें मैंने कहा बार बार साइटोकाइनेसिस, ठीक है, हुए बिना बार बार क्या होता है बोलो, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो मैंने कहा इससे इससे पॉलीप्लोइडी, ठीक है, उत्पन्न होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है बोलो, मैंने कहा टेपेटम, ठीक है, ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो टेपेटम होता है उसमें यह होता है, क्लियर। तो बोलो नोट करोगे, पॉलीप्लोइडी का मतलब क्या है, क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा होना, ठीक है। तो एंडोमाइटो टेपेटम में होती है ज्यादा बोलो,
अरे टेपिटम, ठीक है। एंजियोस्पर्म। अब अपन सोचे कि कब पॉलिप्लॉइडी हो सकती है। इधर देखो, मैंने कहा एंडोमाइटोसिस में क्या होता है, इसमें बार बार कैरियोकाइनेसिस तो नहीं होता है, परंतु बार बार डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो मैं लिख सकता हूं कि इसमें पॉलिप्लॉइडी उत्पन्न होती है। ध्यान से समझो, अभी मैंने बताया जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो एनाफेज में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम होगा। अब एंडोमाइटोसिस एक मॉडिफिकेशन है जिसमें क्या होता है, बार बार क्या नहीं होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर भी क्या होता है बार बार डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, तो पॉलिप्लॉइडी उत्पन्न होना ही है। वापस समझो, अगर न्यूक्लियस का डिवीजन बार बार होगा तो पॉलिप्लॉइडी उत्पन्न नहीं होगी ना। मैं क्या बोल रहा हूं, एंडोमाइटोसिस की यूनिक बात क्या है, पहले तो माइटोसिस का मॉडिफिकेशन है, माइटोसिस जैसा ही डिटो हो जाता तो वो माइटोसिस ही हो जाता, मॉडिफिकेशन का मतलब कुछ अलग होता है। कुछ अलग क्या होता है, मैंने कहा इसके अंदर बार बार कैरियोकाइनेसिस नहीं होता है, बट बार बार क्या होता है डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम होता है, इससे क्या उत्पन्न होगा पॉलीप्लॉइडी। तो इसका मतलब जिसमें भी एंडोमाइटोसिस होता है उसमें पॉलीप्लॉइडी मिलेगी, तो ऐसा एंडोमाइटोसिस टाइप का डिवीजन किस में होता है, एंजियोस्पर्म के टेपिटम। बात समझ, ओके। पहले बताओ ये सब मतलब जानते हो नहीं जानते हो, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम जनरली कब होता है, जब कैरियोकाइनेसिस के बोलो तो होता तभी होता है, बोलो क्लियर, ओके। तो जो टेपिटम के अंदर डिवीजन होता है वो माइटोसिस ना होकर कैसा होता है, एंडोमाइटोसिस होता है। और एंडोमाइटोसिस की यूनिक बात क्या है कि बार बार कैरियोकाइनेसिस नहीं हुए बिना ही बार बार डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम होना, इससे उसमें पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न होती, ओके। ये मैं मॉडिफिकेशन यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब नाम कहीं ना कहीं आते हैं। जब अमीबा का बाइनरी फिशन होता तो हम बोलते हैं क्रिप्टोमाइटोसिस से होता है, डायनोफ्लोजी में तो ये नाम आपको पता चले इसलिए बता रहा हूँ, बोलो बात समझ ना, ओके। आई बात समझ, बोलो। ओके माइटोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन, क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन, क्लियर। ओके
हो गया। ठीक है, वही ये नोट बोलो। ठीक है, ठीक है, ओके। अब क्या बता रहा हूं यहां पर, समसूत्री विष मतलब माइटोटिक पॉइजन, ओके। तो नाम से पता चल रहा है वे केमिकल जो माइटोसिस को रोकते हैं उसको माइटोटिक पॉइजन कहेंगे। वे केमिकल जो माइटोसिस को रोकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन है, मैंने कहा दो बड़े फेमस है, एक है कोल्चिसिन, नाम सुना होगा, बोलो क्लियर, और एक है मस्टर्ड गैस। कौन है बोलो, मस्टर्ड गैस, ठीक है। तो ये दोनों कौन है, माइटोटिक पॉइजन। अब अगर मैंने माइटोटिक पॉइजन बोल दिया तो इनका रोल एक्शन पता होना चाहिए कि भाई कैसे रोकेंगे। इधर देखो यहां पर क्या बात है, मतलब नोट बाद में करो, इधर ध्यान दो। कंटेन मैंने लिखा माइटोटिक पॉइजन, मतलब हर एंगल से आपका पता होना चाहिए। मैंने कहा कोल्चिसिन, क्लियर, कोल्चिसिन स्पिंडल फाइबर, क्लियर, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोकता है। इसका मतलब हुआ कि अगर पूछा जाए कोल्चिसिन माइटोसिस डिवीजन को कहां किस स्टेज में रोकता है, मेटाफेज में, क्योंकि स्पिंडल फाइबर बनने का शुरुआती कहां होता है, मेटाफेज में। बात समझ में, कोल्चिसिन माइटोटिक पॉइजन है ये तो कहीं भी मिल जाएगा आपको, बट कोल्चिसिन माइटोटिक पॉइजन कैसे है वो मेन है। बोलो कैसे है, ये क्या एक्शन करता है, स्पिंडल फाइबर को बनने नहीं देता। तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनने देता तो कहां रोकेगा, मेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज में बना था। तो कोल्चिसिन स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोकता है, अतः अच्छे कोल्चिसिन, कोल्चिसिन किस में बोलो, मेटाफेज, ओके, में ही माइटोसिस, माइटोसिस को क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक है। अच्छा, बाकी कोल्चिसिन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, कोल्चिसिन वह केमिकल है जो पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करता है। बोलो किसको इंड्यूस करता है, पॉलीप्लॉइडी, ये इसका खुद का करैक्टर है, यहां उसका लेना देना नहीं, यहां तो मैं अलग चीज बता रहा हूं। मैं तो कोल्चिसिन आया है तो कोल्चिसिन वो केमिकल है जो पॉलीप्लॉइडी को क्या करता है, इंड्यूस करता है। कहीं पर भी 4N से 8N करना तो कोल्चिसिन का छिड़काव कर दो, और बायोलॉजी जेनेटिक्स में यूज भी करते हैं, क्लियर। अब मैंने कहा मस्टर्ड गैस, अब मस्टर्ड गैस है तो मस्टर्ड गैस आया है तो हमें पता होना चाहिए मस्टर्ड गैस फर्स्ट केमिकल डिस्कवर्ड, बोलो म्यूटाजन है। बोलो फर्स्ट केमिकल डिस्कवर्ड क्या है, म्यूटाजन है, क्लियर। लेकिन अभी तो हम सेल डिवीजन के अंदर बात कर रहे हैं, तो मस्टर्ड गैस स्ट्रक्चरल प्रोटीन, क्लियर, के फॉर्मेशन को रोकता है। तो बताओ ये कहां रोक देगा, बोलो जीवन में रोक देगा, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहां बन रहे थे, जीवन में। अतः अतः मस्टर्ड गैस ठीक है, सेल साइकिल को जीवन में ही रोक, ठीक है, रोक देते हैं, ठीक है, यही बात समझ में, बोलो। अच्छा, अब मैंने कहा बोलो इंपॉर्टेंस, क्लियर, ऑफ माइटोसिस, ठीक है। बोलो माइटोसिस क्या है, लैब में स्टडी, माइटोटिक पॉइजन मॉडिफिकेशन सारी चीजें देख ली,
और पूरा कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझ लिया। अब इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, क्लियर? कभी कोई पूछे समसूत्री विभाजन, क्लियर, का महत्व तो क्या है, तो इसका महत्व तो है रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी, शरीर की मरम्मत करना। आपको कहे सर घर की तो मरम्मत समझ में आती है, हमारी भी मरम्मत होती है क्या? बिल्कुल होती है। आज आपकी स्किन कहीं इरोज होगी, बताओ थोड़े दिन में 5-7-10 दिन में वहां पर वापस स्किन आ जाती नहीं आती? कैसे आती है? माइटोसिस के द्वारा, क्लियर। तो मैंने कहा बोलो शरीर की, बोलो मरम्मत, क्लियर, मरम्मत, क्लियर, मरम्मत करना, क्लियर, सिंपल सा रिपेयरिंग ऑफ अवर बॉडी, रिपेयरिंग ऑफ अवर बॉडी। मतलब हमारे शरीर में यही डिवीजन हमेशा होता रहता है, तो कहीं भी कट लगता है, कहीं पर भी बोलो स्किन इरोज होती है, तो वहां थोड़े दिन में वापस आ जाती। कौन लाता है बोलो? माइटोसिस। बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके। तो नोट करोगे ओके ये बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? ओके आया समझ? बोलो रिपेयरिंग ऑफ अवर बॉडी, वेरी सिंपल इंपॉर्टेंस, क्लियर ओके। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मियोसिस। मियोसिस इससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? हटा दो मैं, बोलो क्या इंपॉर्टेंस बताइए? रिपेयरिंग ऑफ बॉडी, ठीक है? मैंने कहा दूसरा डिवीजन मियोसिस, ठीक है?
अर्ध सूत्री विभाजन। पहले जनरल बातें करेंगे। नंबर वन, इधर ध्यान दो, यह ओनली, ठीक है, डिप्लोइड, ठीक है, द्विगुणित में ही होता है। किस में होता है बोलो? डिप्लोइड सेल में या द्विगुणित में ही होता है। दूसरी बात नंबर टू, क्लियर बोलो, जो मियोसिस होता है उससे वेरिएशन उत्पन्न होती है, बिकॉज इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है बोलो, मियोसिस से वेरिएशन, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, बिकॉज क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर, ओके, जीन विनिमय होता है। अच्छा, मियोसिस से क्रोमोसोम की संख्या क्या रह जाती है? आधी, बोलो आपसे मैं करो, इसलिए इसका नाम हिंदी में क्या है? अर्धसूत्री, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है, ठीक है। क्या ये बॉडी की सभी सेल में होता है क्या? नहीं, ये हमारी बॉडी की केवल रिप्रोडक्टिव सेल में ही होता है। यह बॉडी की ओनली कौन सी सेल बोलो? रिप्रोडक्टिव सेल, ओके। रिप्रोडक्टिव सेल मतलब ब्रैकेट में लिख दो बोलो क्या? टेस्टिस एंड ओवरी, क्लियर, में ही होता है, ठीक। ये भी बात समझ में आए बोलो? ओके, तो पहले चार बातें लिखो। मियोसिस से क्या बनते हैं? गैमिट, ठीक है। मियोसिस से गैमिट, युग्मक, ठीक है, बनते हैं। ओके, बात समझ में आए बोलो आपको? ओके, अब क्या होता है कि एक मियोसिस डिवीजन में दो डिवीजन होते हैं, एक मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकेंड, क्लियर। तो नंबर सिक्स, अभी जनरल बातें बता रहा हूं, मैंने कहा एक मियोसिस में दो डिवीजन, क्लियर बोलो, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड होते हैं। तो इसका मतलब हुआ हमें पहले क्या देखना पड़ेगा कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में क्या डिफरेंस होता है। एक तरफ लिखा मैंने बोलो मियोसिस फर्स्ट, एक लिखा मैंने मियोसिस सेकेंड, मतलब एक बार तो आपको सारा मियोसिस में यही बता रहा हूं, वापस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इधर ध्यान दो। पहली बात, मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसे हम रिडक्शन डिवीजन, न्यूनकारी विभाजन या हेटरोटाइपिक डिवीजन कहते हैं, जबकि इसको होमोटाइपिक डिवीजन कहते हैं। मैंने कहा इसे रिडक्शन डिवीजन, ओके, थोड़ा सा ध्यान दो,
एंड हिटरोटाइपिक डिवीजन। एक तो क्या बोला मैंने, न्यूनकारी, एक विषम, ठीक है, कारी विजन कहते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, होमोटाइपिक। इससे होमोटाइपिक डिवीजन क्लियर कहते हैं, समकारी। अब मैंने अगर इसको रिडक्शन या हिटरोटाइपिक बोला, क्यों बोला, इधर देखो, दूसरे पॉइंट से पता चलेगा। इसमें क्या होता है, 2n से क्या हो जाता है, n हो जाता है। बताओ रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बताओ 2n से n हुआ तो हिटरोटाइपिक हुआ कि नहीं हुआ, होता है। इसमें n से n ही होता है, तो बताओ इसमें तो क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसमें आधा हो गया। तीसरी यूनिक बात, मियोसिस फर्स्ट में सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, समजात गुणसूत्रों का जोड़े क्या होता है, अलग होते हैं। मैंने कहा इसमें क्या होता है, सेग्रीगेशन क्लियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्लियर। क्या बोला मैंने, समजात गुणसूत्रों का क्या होता है, पृथक्करण होता है, क्लियर। कैसे होता वो तो पूरा मियोसिस फर्स्ट पढ़ेंगे अपन डिटेल से, बट अभी से हमें क्या पता हो कि सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम किसमें होता है, इसमें। इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर, ओके, बोलो, होता है, बात समझ में। इसका मतलब मियोसिस में डिवीजन दो बार होता है, लेकिन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम एक ही बार होता है, वो मियोसिस सेकंड में होता है, क्लियर, ओके। अच्छा, नंबर फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा हूं, इसमें ये मियोसिस फर्स्ट है, तो बताओ इसमें भी क्या होगा, एक कैरियो काइनेसिस फर्स्ट होगा और एक क्या होगा, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा, क्लियर। बोलो इसमें मियोसिस सेकंड है, तो बताओ मियोसिस सेकंड में जो होगा उनको क्या नाम देंगे, कैरियो काइनेसिस सेकंड और साइटोकाइनेसिस सेकंड। इसका मतलब आपको समझ में आए, बोलो। अगर मैं बोलूं कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, मतलब आपको किसकी बात सोचनी है, मियोसिस फर्स्ट। मैं बोलूं कैरियोकाइनेसिस सेकंड, मतलब समझ में आया। मैं बोलूं खारी कैरियोकाइनेसिस, समझ में आया। मैं बोलूं प्रोफेज, मैं बोलूं प्रोफेज फर्स्ट, मैं बोलूं प्रोफेज सेकंड, अंतर है कि नहीं, अंतर है, बोलो। प्रोफेज फर्स्ट मतलब किसका सोचना है, मियोसिस फर्स्ट का। खाली प्रोफेज मतलब किसका सोचना है, माइटोसिस का। प्रोफेज सेकंड मतलब किसका सोचना है, मियोसिस सेकंड का, क्लियर, ओके। इसका मतलब इसका जो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा वो कैसा होता है, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, बोलो, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब इसमें क्या होगी, बोलो, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ये होगी, बोलो, क्लियर। अरे किसी का कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जब प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज से गुजरता है तो उसे डायरेक्ट कहा जाता है कि इनडायरेक्ट कहा जाता है, इनडायरेक्ट कहा जाता है, बोलो, इनडायरेक्ट डिवीजन, क्लियर, ओके। अब मैंने कहा यहां पर, बोलो, जो कैरियोकाइनेसिस सेकंड है, ओके, वो भी क्या होता है, बोलो, आपको हो गया इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डिवीजन, बोलो, अगर होगा तो इसमें जो फेजेज होगी वो किस नाम से जानी जाएगी, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। हमने माइटोसिस इसलिए ढंग से पढ़ा ताकि हमें मियोसिस सेकंड पढ़ना नहीं पड़े, क्योंकि ये क्या होता है, इक्वल टू माइटोसिस, खाली शब्द बदल रहे हैं, चीज वही होगी, क्लियर। जो मैंने प्रोफेज में बताया वही प्रोफेज सेकंड में होता है, समझ में आए, बोलो, ओके।
अब मैं इसलिए ये बता रहा था कि मुझे बताना था नंबर सिक्स मेन कि जो मियोसिस फर्स्ट के कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में पांच सब फेज होती है, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकाइटीन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, जो कि इसमें नहीं होती। इसमें नहीं होती हमें कैसे पता चला, क्योंकि इक्वल टू माइटोसिस बोल दिया, तो माइटोसिस के प्रोफेज में ऐसी कोई सब फेज आई नहीं थी, तो इसमें भी नहीं होगी। तो मैंने कहा प्रोफेज फर्स्ट ठीक है में फाइव सिक्वेंसली कर्मागत बोलो सब फेज क्लियर होती है। वो जो सब फेज होती है उनका ऑर्डर क्या होता है, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकाइटीन डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। क्लियर, बात समझ में आए, बोलो बोलो। प्रोफेज सेकंड में कोई सब फेज ठीक है सब फेज नहीं होती है। क्लियर, बात समझ में आए, बोलो। ओके, इसका नाम ये क्यों रखे गए, ये इस किस में क्या होता है, वो सारा हम पढ़ेंगे, बोलो। क्लियर, वन टू थ्री फोर और फाइव, आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे। क्लियर, ओके। तो एक बार तो आपको मियोसिस फर्स्ट सेकंड में डिफरेंस समझ में आया, बोलो। नोट करोगे या नोट, बोलो। ओके, ठीक है,
ओके तो क्या बताना चाह रहा था समझ में आया? बोलो। तो एक बार तो हमने डिफरेंस देख लिया, अब हमें पता चल गया कि हमें मियोसिस फर्स्ट पढ़ना है, क्योंकि मियोसिस सेकंड तो किसके जैसा है? बोलो, माइटोसिस जैसा। ठीक है, हटा दूं? ओके, कहानी समझ में आई? बोलो आपको। तो कल हम क्या पढ़ेंगे? मियोसिस फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। बोलो, वो लेप्टोटीन, जायगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये तो प्रोफेज फर्स्ट है, फिर मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट। क्लियर? ओके, किसमें? एंडोमाइटोसिस में नहीं, इनडायरेक्टली बोलेंगे। डायरेक्ट जो होता है ना, समझो, डायरेक्ट केवल एमाइटोसिस में होता है, जिसमें न्यूक्लियस ये दो टुकड़ा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में? उसमें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस एक साथ होता है और एक साथ दो हो जाते हैं, और ऐसा ही तो होता है ना अमीबा में बाइनरी फिशन। बाकी तो माइटोसिस कोई भी हो, मियोसिस कोई भी हो, उसमें हमेशा इनडायरेक्ट ही होता है। हाँ, क्लियर? बट प्रिमिटिव है ना, मॉडिफिकेशन है ना, उसमें ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। आप समझे नहीं, मेरी बात सुनो, वापस समझो। पहले दुनिया में क्रिप्टोमाइटोसिस आया, अमीबा में ही होता है, ऐसे करते आया। फिर एडवांस आया जिसका नाम माइटोसिस, जो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होता है। तो क्रिप्टोमाइटोसिस, डायनो, इनमें ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है, ये माइटोसिस का मॉडिफिकेशन है, बहुत ही प्रिमिटिव वालों में है। बाकी जो हमने पढ़ा वो माइटोसिस है, जो हायर एनिमल, हायर प्लांट में सब में होता है, जो बहुत सिस्टमेटिक तौर से होता है, ऐसे। क्लियर? और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात है वो एमाइटोसिस में होती है, जिसके अंदर एक से डायरेक्ट दो टुकड़े, एक साथ कैरियोकाइनेसिस, एक साथ साइटोकाइनेसिस, कुछ नहीं, एक से दो टुकड़े हो गए, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। बात समझ? जिसके अंदर मैं स्पिंडल फाइबर बनने की बात कर रहा हूं, बताओ उसमें आप डायरेक्ट कैसे कह सकते हो? बोलो, मेरी बात समझ? जिसमें मैं स्पिंडल फाइबर बनने की बात कर रहा हूँ, भले ही इंट्रा न्यूक्लियर कर रहा हूँ, इसका मतलब तो उसको मैं डायरेक्ट तो कह ही नहीं सकता। बोलो, क्योंकि डायरेक्ट जो होता है उसमें ऐसा कुछ भी नाटक नहीं होता है, वो एमाइटोसिस में होता है। बोलो, डायरेक्ट अगर आपको कभी भी पूछा जाए तो वो एमाइटोसिस में होता है, उसमें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों एक साथ दो टुकड़े हो गए, ऐसे, बहुत ही कम टाइम का डिवीजन, कोई स्पिंडल फाइबर नहीं, कुछ भी नहीं। क्लियर? जो प्रोकैरियोट का होगा, जिसको एमाइटोसिस कहते हैं। पढ़ेंगे अपने माइटोसिस? बोलो, क्लियर? रॉबर्ट रिमेक ने बताया है। बोलो, आपसे मैं